जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी सैलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी सैलरी को आप डबल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपना देश छोड़ के और अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पैसा कमाने और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं इतना दूर। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी सैलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे नया आया था तो मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि नर्सिंग फील्ड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको कि हम लोग यूज़ करके अपनी सैलरी को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला और मैंने ये सोचा कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी सैलरी आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम लोग एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो NHS के साथ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो काफ़ी सारे क्लॉज होते हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर टोटली मिला के हम लोग चार चीज़ें डिस्कस करेंगे, चार तरीके डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आप अपनी सैलरी एनहेंस कर सकते हैं। जो आपके जो दो तरीके हैं स्टार्टिंग के, उसके अंदर आपको अपने हॉस्पिटल में ही काम करना है और आप अपनी हॉस्पिटल में काम करके आप अपनी सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं। जो बाकी लास्ट के दो तरीके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा पैसा भी है, तो वो हम लोग बात करेंगे कि आप अपने हॉस्पिटल को छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हैं, दूसरे केयर होम में काम करते हैं, एजेंसी में काम करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आपकी सैलरी कैसे इंक्रीज होगी, जिसके अंदर हम लोग मेनली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयर्स के बारे में। क्योंकि जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो जो जैसे कि आप अगर NHS में आ रहे हैं तो जो आपका NHS में जो आपका ट्रस्ट है वो आपका प्राइमरी एम्प्लॉयर है, जो कि आपका फर्स्ट एम्प्लॉयर है। तो सेकंड एम्प्लॉयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और या फिर आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी दूसरी जॉब के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले के दो तरीकों के बारे में। उन दो तरीकों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जब आप काम करते हैं यहाँ पे तो आपके एक हफ्ते में सिर्फ आपकी 3 दिन ड्यूटी लगती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपकी ड्यूटी लगे अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने इंचार्ज से, अपनी मैनेजर से, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि या तो आप नाइट चूज़ करें, क्योंकि नाइट के अंदर टोटल 15% का इंक्रीमेंट होता है। अगर आप कोई भी नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको जो आपकी जो नॉर्मल सैलरी है उससे 15% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी बात करें तो आप सैटरडे की नाइट लें या फिर संडे का डे लें, क्योंकि जो वीकेंड पे जो आपकी सैलरी है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है। सैटरडे पे आपको 40% एक्स्ट्रा मिलता है और अगर आप संडे को ड्यूटी करते हैं तो आपको 60% एक्स्ट्रा मिलता है। पर अगर आप सैटरडे की नाइट अगर आप करते हैं तो आपको 60% एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि जो आपके जो नाइट के आवर्स होंगे मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर 12 o'clock तक वो सैटरडे रहेगा और 12 o'clock के बाद वो संडे हो जाता है, तो उसके अंदर भी काफ़ी आपको अच्छा एनहेंसमेंट मिल जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो आपके 3 दिन की जो नॉर्मल शिफ्ट है उसमें आप या तो नाइट लें या सैटरडे लें या संडे लें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो हम लोग बात कर रहे थे तरीकों के बारे में कि जो अपना पहला तरीका है वो है आपका ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का मतलब ये होता है कि जिस वार्ड में आप काम कर रहे हैं खाली उसी वार्ड में आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो आप अपने इंचार्ज को कह के या फिर आप अपने मैनेजर को कह के आप अपनी ओवरटाइम की अपनी ड्यूटीज़ लगवा लें, क्योंकि जैसे कि आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करते हैं तो अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा काम करते हैं तो टोटल मिला के आपको महीने में सिर्फ 4 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो हफ्ते के सिर्फ आपको 4 दिन काम करने पड़ेंगे और आपकी 3 दिन की छुट्टी रहेगी। पर जो आपका जो चौथा दिन होगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप नाइट लें क्योंकि अंदर उसके अंदर आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, या फिर आप सैटरडे लें जिसके अंदर आपको 40% एक्स्ट्रा मिलेगा, या फिर आप संडे लें जिसके अंदर आपको 60% एक्स्ट्रा मिलेगा। ये हो गया अपना पहला तरीका। दूसरा तरीका आता है NHS पे, जो कि NHS पे का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ NHS के अंदर ही आपको रिक्रूट किया जाएगा। इसके अंदर यह है कि आपके किसी भी वार्ड में आपकी ड्यूटी लग सकती है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी पेमेंट होती है। जो आपके जो ओवर टाइम होता है इसके अंदर आपको जो नॉर्मल आपके जो आर्स के जो हिसाब से, जैसे कि 14 pounds पर आर के हिसाब से ही आपको पैसे मिलेंगे। तो जैसे कि अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो अगर हम लोग 10 घंटे के हिसाब से भी लेके चलते हैं राउंड फिगर के अंदर, तो आपको टोटल मिला के 140 pounds मिलते हैं, जो कि 14,000 है। आपको एक ड्यूटी के 14,000 मिलेंगे। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बैंक हॉलीडे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वीकेंड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं NHS पे की। तो NHS पे के अंदर क्या होता है कि जो आपके मैंने आपको बताए हैं 14 pounds पर आर होते हैं वो नहीं होता है, इसके अंदर थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर आपके 25 pounds से लेकर 35 pounds तक आपकी रेंज रहती है। डिपेंड करता है कि आप नाइट कर रहे हैं, डे कर रहे हैं, आप वीकेंड कर रहे हैं या फिर आप अपना बैंक हॉलीडे कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आप अगर आप NHS पे ज्वाइन कर लेते हैं तो आप हॉस्पिटल में आप किसी भी वार्ड में जाके आप अपनी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग राउंड फिगर में अगर आप 30 pounds पर आर के हिसाब से लेके चलें, तो अगर आप इस चीज़ को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो अगर आपकी
30 pounds पर आर के हिसाब से अगर आपकी 10 घंटे की ड्यूटी है, वैसे 12 घंटे की ड्यूटी होती है, अगर हम लोग राउंड फिगर में अगर 10 घंटे लेके चलते हैं तो आपके टोटल मिला के वो 300 pounds होते हैं। 300 pounds मतलब होता है इंडियन करेंसी में 30,000 रुपये। तो अगर आप NHS पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ड्यूटी के 30,000 रुपये मिलते हैं। अगर आप चार ड्यूटी करते हैं तो आप अपने हिसाब से आप देख लें कि आपको कितने रुपये मिल रहे हैं। तो ये था आपका NHS पे। NHS पे का एक फ़ायदा और होता है कि जैसे अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपके पास एक आपका एक आर प्लस होता है। तो जैसे अगर आपने 12 आवर्स की ड्यूटी करी है तो वो टोटल मिला के आपके 13 आवर्स हो जाते हैं, जो कि आपके क्रेडिट में चले जाते हैं। तो वो पैसे जो आपके सेविंग्स में जाते जाएंगे, जितनी आप ड्यूटी करते जाएंगे पर ड्यूटी के आपका एक आर आपको एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। तो जिस समय आपको पैसे की जरूरत है तो आप उन आवर्स को निकलवा के आप अपना पैसा निकलवा सकते हो। तो जिस दिन आपने सैटरडे की ड्यूटी करी थी, सैटरडे के हिसाब से आपका उस आर का पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा। जिस दिन आपने संडे की ड्यूटी करी थी, संडे के हिसाब से पैसा इकट्ठा हो जाएगा। जैसे भी आपने ड्यूटी करी थी, नाइट करी थी, सैटरडे संडे जो भी करता, आपका वो पैसा वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो NHS पे का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी सारी नर्सेज यहाँ पे NHS पे को यूज़ करती हैं और अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। तो अगर आप 1,000 pounds भी अगर आप एक्स्ट्रा कमा लेते हैं NHS पे से या फिर आपके ओवर टाइम से, तो आपकी सैलरी के अंदर आपका 1,000 pounds और एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि आपका एक्स्ट्रा पैसा है, आपकी सेविंग है। आप चाहें तो आप उसको इंडिया भेज सकते हैं, आप चाहें अगर आपकी यहाँ पे फैमिली है तो आप अपने पास उसको एज ए सेविंग आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये टोटल मिला के दो तरीके हो गए, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके हैं। और मेरे हिसाब से ओवर टाइम से अच्छा आप NHS पे ज्वाइन करें, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा पैसा भी है और आपको बाकी सारे अवार्ड्स का भी एक्सपोजर आपको हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लास्ट के दो तरीके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके हैं। तो जो आपके जो लास्ट के दो तरीके हैं, इन सब चीज़ों के बारे दो तरीकों के बारे में मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, क्योंकि जो मैं जब मैं यहाँ पे आया था तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने साइन किया था, तो उसके अंदर एक क्लॉज था, उसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अगर मैं कोई सेकेंडरी एम्प्लॉयर ज्वाइन करता हूँ तो मुझे इनको बताना पड़ेगा कि मेरे को सेकेंडरी एम्प्लॉयर ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे मेरा इंटरेस्ट इनको बताना पड़ेगा। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर आप साइन करते हैं तो उस चीज़ के अंदर ज़रूर पढ़ लें कि आपको सेकेंडरी एम्प्लॉयर के लिए वहाँ पे ये लोग अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर इस चीज़ का ज़रूर बस इस चीज़ की टेंशन ना लें, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये लोग बताते हैं कि आप सेकेंडरी एम्प्लॉयर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये लोग ऐसे बताते हैं कि अगर आप सेकेंडरी एम्प्लॉयर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इनको इन्फॉर्म ज़रूर करें। अगर आप सेकेंडरी एम्प्लॉयर ज्वाइन करते हैं तो आप इनको ज़रूर बता दें। तो जैसे कि इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए, पहले मैंने कभी भी सेकेंडरी एम्प्लॉयर ज्वाइन नहीं किया था। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने मेरे HR में मेल किया था इस वीडियो के पर्पज़ के चक्कर में, कि मुझे पता करना था कि सेकेंडरी एम्प्लॉयर का क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे मेल किया था कि मैं सेकेंडरी एम्प्लॉयर ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं। तो मेरे हॉस्पिटल से मेरे को रिप्लाई आया कि आप सेकेंडरी एम्प्लॉयर ज्वाइन कर सकते हो और एक हफ्ते में आप 20 hours आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कर सकते हो। 20 hours मतलब आपके लगभग दो ड्यूटी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे जब आप हैं तो आप अपने हॉस्पिटल में आप NHS पे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक ड्यूटी एक्स्ट्रा करते हो, तो आप अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपने अपने हॉस्पिटल से अगर परमिशन ले ली कि आप सेकेंडरी एम्प्लॉयर ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आप 20 hours एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए यहाँ पे आप केयर होम ज्वाइन कर सकते हो। केयर होम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको नाइट के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, डे के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। इसके अंदर टोटल स्ट्रेट पे होती है, स्ट्रेट पे के अंदर होता है आपको 250 pounds एक ड्यूटी के मिलेंगे, मतलब आपको 25,000 रुपये आपको एक ड्यूटी के मिलेंगे। तो जैसे अगर आप तीन ड्यूटी अगर आप NHS हॉस्पिटल के अंदर आप काम करते हैं तो सिर्फ 3 दिन आपको वहाँ पे काम करना है, 4 दिन की आपकी छुट्टी है। तो अगर आप 2 दिन यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो 250 टोटल मिला के 500 pounds आपके हर वीक के आपको मिलेंगे। 500 pounds के हिसाब से मतलब हो गए 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा हर वीक के मिलेंगे। अगर आप पूरे मंथ का अगर आप कैलकुलेट करके चलते हैं तो टोटल मिला के आपको 2 lakh rupees एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि एक अच्छा खासा एक डिसेंट इनकम है। अगर आपकी सैलरी के अंदर आपको कोई 2 lakh rupees ऐड करता है तो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सेकेंडरी एम्प्लॉयर ज्वाइन करते हैं इसे आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो आपको टोटल मिला के एक महीने के आपको टोटल मिला के 2 lakh rupees मिलेंगे। आप वही बात है कि आप वो 2 lakh rupees अपने घर भेजना चाहते हैं तो आप घर भेज सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे रखना है अपनी सेविंग में तो आप उसको सेविंग में रख सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो 2 lakh rupees हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैंने मेरी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, रहने का कितना है। अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग देख के चलें तो 500 pounds से लेकर 1,000 pounds के बीच में ही आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगा। आप चाहे कोई से भी सिटी में रह लें, 500 pounds से लेकर 1,000 pounds तक ही आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगी। अगर आप यहाँ पे अगर कोई सिंगल बंदा यहाँ पे आ रहा है तो 500 से लेकर 1,000 pounds तक ही रहेगी। तो आप इस चीज़ को देखें कि आपने 2,000 pounds वो एक्स्ट्रा कमाए और बाकी जो आपकी सैलरी आ रही है वो आपके पास है। अगर इसमें से आप 1,000 pounds आप डिडक्ट कर भी देते हो, अगर 1,000 pounds निकाल भी देते हो, तो आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग भी होगी। इसमें आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं और 1,00,000 rupees अपने घर भी आप बेच सकते हैं आराम से। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सेकेंड एम्प्लॉयर ज्वाइन करते हैं 20 hours के हिसाब से, तो
आप ज़रूर करें। उसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं जो कि हमारा चौथा तरीका है, जिसको सबसे बेस्ट तरीका हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, वो है आपका एजेंसी वर्क। एजेंसी वर्क भी एक तरीके से सेकंड एम्प्लॉयर है, उसके लिए भी आपको अपने फर्स्ट एम्प्लॉयर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं एजेंसी ज्वाइन कर लूँ या नहीं कर लूँ। एजेंसी का बस एक घाटा है कि आप अपने हॉस्पिटल में आप काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे केयर होम में तो ये है कि आप अपने आसपास के केयर होम में आप जाके, आप यहाँ से अगर आप आपके पास कोई गाड़ी भी नहीं है तो आप पैदल जा सकते हैं, अपने केयर होम में भी काम कर सकते हैं, आपके आसपास में जो भी आपके केयर होम आप उसमें जाके काम कर सकते हैं। एजेंसी का ये घाटा है कि आपको दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है, ना तो आप अपने एरिया में काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपका ट्रस्ट है उसके, जैसे कि मेरा जो ट्रस्ट है उसके अंडर तीन हॉस्पिटल आते हैं, तो मैं उन तीनों हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं एजेंसी ज्वाइन करता हूँ तो मुझे उन तीनों हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर ही मेरी ड्यूटी लगेगी। तो एजेंसी का बस ये है कि आपके पास गाड़ी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको जहाँ पे भी आपको ड्यूटी देंगे तो आपको वहाँ पे जाके आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आप जब अपने फर्स्ट एम्प्लॉयर से आप अपना ये परमिशन लेते हैं सेकंड एम्प्लॉयर के लिए, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो 37.5 जो आवर्स हैं वो आपके फर्स्ट एम्प्लॉयर के हैं, आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको 37.5 आवर्स पर वीक आपको अपने फर्स्ट एम्प्लॉयर को देने ही पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप उनकी ड्यूटी डिनाई करके आप सेकंड एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहला अपना जो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका फर्स्ट एम्प्लॉयर है, तो 37.5 आवर्स आपको अपने फर्स्ट एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे। बाकी जो आपके जो बाकी आवर्स हैं वो आप अपने सेकेंड एम्प्लॉयर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे एजेंसी के बारे में। एजेंसी का काफ़ी अच्छा रेट है, एजेंसी टोटल मिला के आपको 30 pounds पर आर से लेके 60 pounds पर आर तक आपको पे करती है। 60 pounds पर आर के हिसाब से आप लगा के देख लेंगे 12 hours का आपको कितना मिले, और अगर हम लोग राउंड फिगर में 50 के हिसाब से भी बात करते हैं तो 50 pounds अगर आप 10 घंटे भी काम करते हैं तो आपके टोटल मिला के 50,000 सिर्फ एक ड्यूटी के हो गए। 50,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप खुद सोच के देख लें कि यहाँ पे कितना अच्छा पैसा है। अगर आप सही तरीके से आप स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो कितना अच्छा पैसा है। जिस बंदे की आपकी सैलरी अगर 2,000 है तो उसके 4,000 हो जाएगी, इंडियन करेंसी के हिसाब से 4 lakh rupees हो जाएगी। तो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे लोगों से कॉन्टैक्ट किया है जो 4 से 5 lakh rupees हर महीने कमा रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी इच्छा है पैसा कमाने की या फिर अपनी लाइफ सुधारने की। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और बाकी एक चीज़ और बतानी थी मुझे यहाँ पे, टैक्स डिडक्शन का बताना था आपको और एक पेंशन के बारे में बताना था कि आपका यहाँ पे कितना टैक्स डिडक्शन होता है, कितना आपका इंश्योरेंस के पैसे कटते हैं और कितना पेंशन के पैसे कटते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे पेंशन के पैसे कटवाते हैं तो आपको जब आप यहाँ से रिटायरमेंट होंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा होगा। तो मैंने सोचा एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको डिडक्शंस के बारे में बताऊंगा, डिडक्शन होने के बाद आपके पास आपके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे। आपकी सिर्फ नॉर्मल सैलरी के बारे में बताऊंगा, एक्स्ट्रा जो आपका पैसा है वो आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। बाकी जो आपका जो आपकी नॉर्मल सैलरी है, आपकी डिडक्शन के बाद आपके अकाउंट में नॉर्मल सैलरी कितनी आएगी और उसमें कोई भी एनहेंसमेंट नहीं होगा, सिर्फ उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको पता भी चला होगा कि यहाँ पे पैसे कमाने की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।